Hey guys, good morning and welcome back to another blog. आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। भाई मुझे तुरंत मुझे हेयर कट और बियर्ड कट करने की जरूरत है। इतनी कैसी ग्रोथ है यार मेरे हेयर्स को, पता नहीं यार। मेरे बाल है ना जल्दी बढ़ जाते हैं एकदम, मुझ में तंग हो जाता हूँ। मुझे ना महीने में दो बार हेयर कट और ये चीजें करनी पड़ती है। और फिलहाल मम्मी बना रही है आमरस, जो मैंने आम लाए थे ना ऑफिस से, वो बहुत ही स्वीट आम है यार। देखो मम्मी उसका एक 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 पार्ट निकाल रही है और इसमें बन रहा है पूरन पूरी खाएंगे इसके साथ, मजा आ जाएगा ना मम्मी। फिलहाल मेरी मीटिंग है अभी, आज जल्दी मीटिंग है 8:30 बजे। चलिए मीटिंग ज्वाइन करते हैं। सब लोग रेडी हो चुके हैं, पापा रेडी हो चुके हैं, सुनील रेडी हो चुका है, जाना कहीं नहीं है। ऑल ड्रेस्ड अप एंड नोवेयर टू गो। और इनको देखिए, ऑल ड्रेस्ड अप नोवेयर टू गो। बोलो ऑल ड्रेस्ड अप नोवेयर टू गो मतलब सगळे तयार आहेत, कपडे घालून वगैरे सगळं तयार आहे, फक्त कुठे जायचंच नाही आहे। यू जस्ट लर्न अ न्यू फ्रेज टुडे, एवढं इंग्लिश ब्रेकफास्ट विथ चॅम्पियन्स। यस भाई, ऐसा इंग्लिश सीखना है ना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक रहना पड़ता है। जब भी कोई नया वर्ड सुनते हो ना आप, तो उसको नोट कर लो, उसको यूज में लाओ। जैसे हमने कल ये वर्ड देखा, ये फ्रेज देखी, तो हमने आज उसको यूज कर लिया, अभी ये पक्का हो गया दिमाग में, ऐसा होता है। मम्मी आई एम वेटिंग फॉर आमरस। सुनील के बर्थडे का केक है क्या? पर सुबह की शुरुआत ऐसे नहीं करेंगे, दोपहर में दबा के खाएंगे। सुबह कुछ नहीं खाएंगे आज। आए ना, साफ सफाई करती है, सब चार्जर निकाल देती है, मुझे फिर से इसको जोड़ना पड़ता है, बड़ी मुश्किल का काम है भाई मेरा। मुश्किल है ना, अरे इंसान खुद बनाता है, कुछ मुश्किल नहीं होता है। आप कभी देखना, एक आदमी के लिए जो मुश्किल चीज़ है वो दूसरे आदमी के लिए एकदम आसान सी चीज़ है। तो मतलब क्या है, मुश्किल है ना सब्जेक्टिव है। जो इंसान जैसे परसीव करता है, परसीव मतलब उन चीज़ों को जैसे देखता है जिस नज़रिए से, वैसे वो बन जाते हैं। पॉजिटिव आउटलुक रखना चाहिए ज़िंदगी में, मैं सीखा हूँ, पर मेरे से रखा नहीं जाता यार, मैं नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा फोकस करता रहता हूँ। पर कोई ना, चलो सीखेंगे धीरे धीरे। फिलहाल मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं। बस अड़ा देख लो इधर, ये भाई बहुत यूज़फुल चीज़ है, इसने मेरी आँखें, 6 साल हो गए ना भाई इसको। मम्मी जी बना रहे हैं गरम गरम पूरन पोड़ी। हमारी धर्मपत्नी किधर गई है मम्मी? घर में कोई नहीं है। पापा ये देखो, इधर बेड है पर नीचे सोना है। हमारे पापा घर पे भी नीचे ही सोते हैं, उनको है ना कमर, उनको वो बोलते हैं कि नीचे सोने से ना कमर ठीक रहती है, गद्दे पे सोने से ना कमर में दर्द होने लगता है उनके। पकौड़े बनाने के लिए मिर्ची चाहिए थी क्या? चलो दोस्तों खाना खा लेते हैं। आज घर में बना है आमरस। मम्मी ने और पायल ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। हम लोगों को क्या है, खाने में क्या लगता है, सिर्फ पूरन पोड़ी बना रही है सुबह से, पायल सुबह से काम कर रही है, सुनील काम कर रहे हैं, पापा सो गए थे। मम्मी तुला हंस था, पप्पा ची मजाक घ्यायला लागलं ते का चलो दोस्तों खाते ही थोड़ा सा खाना, पायल के ऊपर प्रैंक करते हैं। नको ना, उठो, कल मेरे ऊपर पानी डाला था, आज तुम्हारी बारी। उठ उठ उठ। आई एम सॉरी पायल, मैं जस्ट मजाक कर रहा था। सारी फैमिली इधर बैठ के क्या गप्पे कर रही है पता नहीं। मम्मी की ना थोड़ी तबीयत थी ना हमारी डाउन हो चुकी है, तो मम्मी बोल रही है मुझे घर जाना है अभी, तो पापा बोल रहे हैं मत जाओ घर। मम्मी घर ही जाएगा काबर ये डालो बरने वाले।
मम्मी बोल रहे मुझे गांव जाना है, मुझे इधर अच्छा नहीं लग रहा है। बैठे रहते ना दिन भर इसलिए। बहुत ज़्यादा है ना वो यूट्यूब पे ना डॉक्टर साहब बन जाती है, कुछ भी देखती रहती है और ज़्यादा ही टेंशन लेती, कुछ भी हुआ ना छोटा सा बोलती है मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मम्मी बोल रही कंटेंट के लिए कुछ भी बोल रहा है इसका मत सुनो। तो कल वट सावित्री पूर्णिमा है तो मम्मी और पायल को है ना कल पूजा करनी पड़ेगी अपने पति की लंबी आयु के लिए और सातों जन्म एक ही पति मिलने के लिए। तो फिलहाल मम्मी को और पायल को उसकी तैयारी करनी है तो पापा और सुनील जा रहे हैं मार्केट में सब चीज़ें लाने के लिए। हाँ पूजा करने के लिए सब चीज़ें लगेगी ना, वो लाने के लिए जाने वाले हैं और फिलहाल मैं जा रहा हूँ वर्कआउट करने के लिए। थोड़ा सा है ना बॉडी को एक्टिवेट करते हैं थोड़ा बॉडी ना। और मेरी बीवी है ना भाई, सिर्फ मुझे डांटने के लिए उसने जन्म लिया है। उसको मैंने क्या किया इधर आने के बाद थोड़ा है ना खाना खा के देखा, इसलिए वो बोल रही इधर मत आओ निकलो। कितनी बार आ गई, कितनी बार खाया? क्योंकि मुझे थोड़ी इस टाइम पे भूख लगती है, 7 बजे है ना तो भूख लग जाती है तो मैं खाने की कोशिश करता हूँ जो मिलता है। और इनका देखो काम चल रहा है, दोपहर में यूट्यूब देखते हैं और रात को काम करते हैं। अभी आया ना इसलिए तो लॉगअप किया था मैंने। सोसाइटी का जिम का एक अच्छा है, यहाँ पे कोई नहीं रहता है, हमेशा खाली रहती है। चलो थोड़ा ना भागते हैं, थोड़ा सा वजन उठाते हैं। सबसे पहले थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। 3 घूम रहे आ गए दोस्तों वर्कआउट वगैरह करके। और फिलहाल मेरे को वट सावित्री पूर्णिमा के लिए क्या क्या ला के रखा है, वर्ड मराठी में वड़ा लगा मानते हिंदी में बरगद, बरगद का पेड़ हिंदी में बरगद होता है, मराठी में वड़ बोलते हैं इसे। तो इसकी टहनी लाई है, इसकी पूजा होगी, दोनों पूजा करेंगे कल। साड़ी पहन साड़ी पहन चलो, मुझे थोड़ा अभी हम लोग जा रहे हैं नथनी लाने के लिए। नथनी एक महाराष्ट्रियन आप बोल सकते हो गहना है जो लड़कियां पहनती है अपने नाक में, तो वो लाने के लिए जाना है। पायल को चाहिए कल के लिए। चल बैठो। अरे भाई ट्रैफिक लग गई, इंजेवाड़ी के रास्तों पे है दोस्तों हम लोग। और देखो ट्रैफिक, लोग कहीं से भी गाड़ी निकाल रहे हैं। देखो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं और भीड़ देख लो आप हिंजेवाड़ी में, चारों तरफ मेट्रो का काम चालू है ना इसलिए। अरे पायल को है ना भाई बराबर से ये दुकान याद रह गया, मुझे याद नहीं आ रहा था। लड़के ओके ना भाई, आंखें और मेमोरी काफी तेज होती है शॉपिंग के मामले में। ले लो क्या लेना है जल्दी, जब तक पायल खरीदती है तब तक हम वेट करते हैं, वही कर सकते हैं अभी। बैठ ले क्या ये देखो दोस्तों, ये होती है नथ, नाक में पहनते हैं इसे। अभी पायल कल पहनेगी ना तब दिखाऊंगा मैं आपको। कौन सा वाला, ये वाला पसंद आ गया क्या तुम्हें? ये वाले मम्मी के लिए भी एक ले लेना, दो ले रही हूँ। और यहाँ पे देखो कितने सारे ऑप्शन है भाई, जब तक पायल की शॉपिंग होती है तब तक इधर खड़ा रहना पड़ रहा है। दो चीज़ें लेनी है पर आधे घंटा हो गया है उधर बैठी है। हो गया क्या फाइनल? चलो फिर अभी चल रहा है। मंगलसूत्र घर बुलाई है तो एक नकली वाला लेना पड़ रहा है। भाई इतनी सी चीज़ है 450 रुपये की,
क्या है इसमें पता नहीं क्या है इसमें, इससे अच्छा तो असली वाला सोना ले लेते हम। इतनी सी चीज़ें 10 रुपये कम नहीं कर रहे भाई, कुछ भी भाव ऐसा थोड़ी चलता है। क्या है वो चीज़, मतलब सब मिला के ना मुझे नहीं लगता 100 रुपये का भी होगा वो, 400 कितना कितना भाव लगा देते हैं भाई, कुछ कह नहीं सकते। अभी ज़रूरत है तो मेरे को बीवी नाराज़ हो जाएगी मेरी। चला तो है दोस्तों, चलो इस ब्लॉग को यही एंड कर देते हैं, मिलते हैं अगली ब्लॉग में। कल सुबह पायल और मम्मी के वट सावित्री पूर्णिमा में मिलते हैं, तब तक के लिए आपको क्या करना है पता है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्लॉग्स।